उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विनोद गुम्बर के घर में रसोई में काम करने वाले 35 साल के मुकेश रावत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रसोई की मौत की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो कोतवाली सदर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सील कर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। मुरादाबाद के कोतवाली सदर क्षेत्र के कोटीवाल नगर में रहने वाले कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विनोद गुम्बर आज सुबह धार्मिक यात्रा पर हरिद्वार के लिए निकले थे। उनके जाने के बाद उनके बेटे हानि ने घर में रसोई का काम करने वाले मुकेश रावत को आवाज देकर नाश्ता तैयार करने के लिए कहा, लेकिन जब काफी देर तक मुकेश रावत की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो हनी गुम्बर ने मुकेश के कमरे में जाकर बाथरूम में चेक किया तो मुकेश रावत जमीन पर औधे मुंह गिरा हुआ था। हनी ने मुकेश रावत को हाथ से छूकर देखा तो उसका शरीर पूरी तरीके से ठंडा हो चुका था। तब उसने अपने पिता विनोद गुम्बर को जानकारी दी। तब विनोद गुम्बर ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को सील कर जांच शुरू कर शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। विनोद के घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मुकेश रावत की मौत के बाद पुलिस अब हर तरह से जांच कर रही है कि मुकेश की मौत कैसे हुई। हनी के मुताबिक मुकेश रावत जनपद संभल का रहने वाला था और नवंबर 2020 में ही उसे नौकरी पर रखा गया था। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि मुकेश रावत की मौत कैसे हुई है। मेरा नाम संजल गुम्बर है, कोठीवाल नगर का रहने वाला हूँ। मैं सुबह जब उठा तो नहाने जा रहा था, 11:15 बजे तो पानी नहीं आ रहा था मेरे ऊपर वाले बाथरूम में, तो मैं नीचे गया, मोटर चलाई तो हमारे यहाँ जब पानी नहीं आता है तो एक प्रेशर वाला नल लगाया हुआ है, जब उसे खोलेंगे तो 2 मिनट में प्रेशर निकल जाता है। तो टंकी खाली हो गई होगी इसलिए प्रेशर बन गया था। तो जैसे ही मैं बाथरूम में गया प्रेशर का नल खोलने के लिए तो हमारे यहाँ एक सर्वेंट काम करते थे मुकेश रावत, वो गिरे हुए मिले मेरे को। तो उन्हें मैंने थोड़ा हिलाया तो उनकी बॉडी टाइट थी। तो ये देखने पर मैंने अपने पापा को फ़ोन करा जो हरिद्वार गए हुए हैं और उसके बाद मैंने पुलिस को इसकी सूचना दी। मुकेश संभल के रहने वाले थे हातिमसराय के, नवंबर 2020 से लगे थे जॉब के लिए, उससे शादी से पहले करा था इन्होंने। ये तो देखिए बॉडी हमने उनको पुलिस वालों को दे दी है, आगे जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स कहेंगी वो तो वही बताएंगे।